Hello students, today we are going to start with the topic error in the measurement. ठीक है, तो पहले समझते हैं कि error है क्या. Suppose that कि आपको जो है एक line दी जा रही है जिसकी जो exact value जो है वो है 10.4 सेंटीमीटर. ये exact value है, ठीक है ना. तो बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू. या फिर इसको ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं. ठीक है, अब कोई बच्चा है जो इस लाइन का मेजरमेंट कर रहा है. ठीक है, वो अपने इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से इस लाइन का मेजरमेंट कर रहा है. जो अपने इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से इस लाइन का मेजरमेंट कर रहा है तो हो सकता है कि वो बच्चा जो है वो इसका सही मेजरमेंट ना कर पाए. यानी कि मान लीजिए उसने जो मेजर किया वो मेजर्ड वैल्यू उसने दिया, मान उसने मेजर किया 10.3 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अगर उसने 10.3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट किया है तो जाहिर सी बात है कि इसके मेजरमेंट में उसने कुछ ना कुछ एरर किया है, कुछ ना कुछ गलत मेजरमेंट किया है. तो क्या कितनी मिस्टेक है इसके मेजरमेंट में, उसको बोलते हैं एरर. डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड द एरर. इसमें एरर कितना है, एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू, टीवी मत बोलना, ट्रू वैल्यू डिफरेंस मेजर्ड वैल्यू. तो अगर यहां एग्जाम्पल में बात करें तो इस केस में अगर मैं बात करें तो कितना ट्रू वैल्यू 10.4 है और मेजर्ड वैल्यू कितनी है 10.3 है. तो जो हमारा डिफरेंस आएगा वो आएगा 0.1 सेंटीमीटर का. तो यानी कि ये इसका एरर है. ठीक है ना, समझ में आ गई बात. अब जो है हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर. ये एरर है इसका, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं. देखते हैं यहां पे टाइप्स ऑफ एरर. देखिए ऐसे तो एरर बहुत से टाइप के होते हैं लेकिन बेसिकली जो एरर दो टाइप का होता है. एक होता है सिस्टमैटिक एरर और एक होता है रैंडम एरर. ठीक है, जो सिस्टमैटिक एरर होता है देखिए जो सिस्टमैटिक एरर होता है वो आपके मेजरमेंट में एक सिस्टमैटिक तरीके से आता है. जैसे कि एक फिक्स वैल्यू जो है वो बार बार आपके मेजरमेंट में एक्स्ट्रा आ जा रही है या कम आ जा रहा है. ठीक है, तो वो एक सिस्टमैटिक एरर है. ये सिस्टमैटिक एरर मान लीजिए, एक आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, समझिएगा, छोटा एग्जाम्पल दे रहे हैं. मान लीजिए कि ये कोई एक लाइन है, ठीक है, ए बी, आप इसका मेजरमेंट कर रहे हैं एक स्केल के हेल्प से और जिस स्केल के हेल्प से इस लाइन का मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर.
और जिस स्केल से आप मेजरमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए उसके आगे का 1 सेंटीमीटर का हिस्सा टूटा हुआ है, तो ऐसे तो स्केल तो जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन ये स्केल कितने से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। तो आपका जो मेजरमेंट में एंड कितने पर होगा? 6 सेंटीमीटर पर होगा ना, 1 सेंटीमीटर का हिस्सा आगे से टूट गया है। तो जो मेजरमेंट जो आपका आएगा स्केल का, वो हमेशा लास्ट वैल्यू कितने पर आएगी? 6 सेंटीमीटर पर आएगी। ठीक है, तो आप जो भी डिस्टेंस इस स्केल की मदद से मेजरमेंट करेंगे वो हमेशा आपको 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो ये एक सिस्टमेटिक है ना, एक सिस्टमेटिक एक सिस्टम के तरीके से आ रहा है ना, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर हम पता लगा लें कि ये किस रूल के अकॉर्डिंग ये एरर है, सिस्टमेटिक एरर की अच्छी बात ये है कि हमेशा ये किसी ना किसी रूल के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, तो यहां पे रूल क्या है? 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। तो अगर हम इस रूल का पता लगा लें तो हम अपनी मेजर्ड वैल्यू में से उस रूल के हिसाब से करेक्शन करके करेक्ट वैल्यू को पा सकते हैं। तो इस एरर को हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं? तो ये जो जिस रूल के अकॉर्डिंग ये आ रहा है, जैसे 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, तो 6 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 5 सेंटीमीटर हमारी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर को इस तरीके से हम लोग मिनिमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसी डेफिनेशन आप लिखना चाहते हैं तो हम लिख देते हैं। दिस एरर कम्स इन सिस्टमैटिक वे in our measurement so by identifying the rule governed by an error we can eliminate it from measured value. ठीक है, अच्छा, और किस किस टाइप के एरर को सिस्टमैटिक एरर बोलेंगे? जैसे मैंने एक तो आपको बता दिया, इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ है तो उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा सिस्टमैटिक एरर होता है। दूसरा है इम्परफेक्शन इन द ऑपरेटर्स, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके ऑपरेटर्स में कुछ दिक्कत है। ठीक है, वो परफेक्ट ऑपरेटर्स नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई हीट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपको जो है हीट को पूरा ट्रैप करके रखना है। आपको मालूम है कि दुनिया में कोई भी चीज जो है वो परफेक्ट इंसुलेटर तो होती नहीं, तो आप जिस चीज से भी उसको कवर करेंगे जरूर वहां कुछ ना कुछ हीट का लॉस होगा और वो आपके एक्सपेरिमेंट के वैल्यू को एक तरीके से कह लीजिए कि करेक्ट नहीं आने देगा। ठीक है, आपका एक्सपेरिमेंट का वैल्यू कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। तो इस टाइप के एरर को हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्शन इन द ऑपरेटर्स। ठीक है, और ये भी सिस्टमेटिक एरर का ही टाइप है। अब आते हैं रैंडम एरर पर।
ये एरर जो है वो आपके एक्सपेरिमेंटल रेंडमली आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं और अचानक से उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज हो जाए, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो जाए, ठीक है, तो ऐसे एरर को हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर, क्योंकि इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है और ये किसी सिस्टमेटिक वे से भी नहीं होगा। तो कोई सिस्टमेटिक तरीका थोड़ी ना होगा चेंज होने का, वो तो कभी भी फ्लक्चुएट कर जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप कोई इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और करंट की वैल्यू अचानक से फ्लक्चुएट कर गई, ठीक है, करंट अचानक से ज्यादा या कम हो गया, तो ऐसे सिचुएशंस में भी हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही वो किसी रूल के अकॉर्डिंग होता है कि हम उस रूल का पता लगा ले और उसको एलिमिनेट कर ले, ऐसा भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो रैंडम एरर को हम मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे मिनिमाइज करेंगे देखा जाए। दिस एरर कम्स इन रैंडम वे इन आवर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लाइक सडन चेंज इन द कंडीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट ठीक है, सडन चेंज इन द करंट एटसेट्रा। ठीक है, अब इसको हम लोग मिनिमाइज कैसे, जब एलिमिनेट तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि किसी रूल के अकॉर्डिंग तो है नहीं कि उस रूल का पता लगा लें और एलिमिनेट कर लें, तो इसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। दिस एरर कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग द आप ये तरीका जानते हैं, बाय टेकिंग द मीन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स, मीन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स। अगर आपको याद हो तो जब हम लोग वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज के थ्रू एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हम एक ही चीज को अलग अलग जगह से बार बार मेजरमेंट कर रहे थे। तो बार बार क्यों मेजरमेंट कर रहे थे, ताकि हमें एक रीडिंग का सेट मिल जाए और जब उसका हम लोग मीन निकालेंगे तो वहां पे एरर मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम लोग यही रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए ही उसको हम लोग बार बार एक ही एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट कर रहे थे और बाद में जाकर के उसकी मीन वैल्यू के थ्रू अपना आंसर लिख रहे थे। ठीक है,
हम लोग पढ़ रहे थे एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर, ठीक है, चारों को हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मान लीजिए कि आपके पास कोई क्वांटिटी क्यू है, ठीक है, आप इसकी वैल्यू मेजरमेंट करना चाहते हैं, इसकी एब्सोल्यूट एरर मेजरमेंट करना चाहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर मेजरमेंट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए इस क्वांटिटी क्यू की जो ट्रू वैल्यू है वो ए है, ठीक है, तो ट्रू वैल्यू मैंने ए लिख दिया। अब इस क्वांटिटी क्यू को जब हम लोगों ने मेजरमेंट किया, तो मान लीजिए हमारा मेजरमेंट फर्स्ट टाइम ए वन आया, सेकेंड टाइम ए टू, थर्ड टाइम ए थ्री और ऐसे ही nth टाइम ए एन आया, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होगा हमारा, तो एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो हर मेजरमेंट में होता है, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट वन कितना होगा, डेल ए वन इक्वल टू ए डिफरेंस ए वन, यानी कि ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस ले लेंगे तो हमें एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट मिल जाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन द सेकेंड मेजरमेंट हमारा हो जाएगा डेल ए टू इक्वल टू ए डिफरेंस ए टू, ऐसे ही एब्सोल्यूट एरर इन द nth मेजरमेंट होगा हमारा डेल ए वन इक्वल टू ए डिफरेंस ए एन। यहां पर जो डेल ए वन, डेल ए टू, डेल ए एन है, इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर्स। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो है हमारा उसको हम लोग डेल ए ऊपर बार लगा करके शो करते हैं इस तरीके से, एंड मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू, नाम में ही देखिए क्या लिखा है, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब एब्सोल्यूट एरर्स का मीन। तो एब्सोल्यूट एरर हमारा क्या था, डेल ए वन, डेल ए टू, डेल ए एन, ये एब्सोल्यूट एरर था, इन सब का मीन निकाल लेंगे, मीन का मतलब सारी क्वांटिटीज को ऐड करके नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, तो सारी क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो ये ऊपर एडिशन हो गया और नीचे एन नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं तो एन से डिवाइड कर देंगे। इस चीज को हम लोग शॉर्टकट में मैथमेटिक रिप्रेजेंटेशन में ऐसे सिग्मा लगा करके शो कर सकते हैं, 1 बाई एन को बाहर ले लिया गया है और डेल ए आई पर सिग्मा लगा दिया गया। सिग्मा का मतलब होता है कि 1 बाई एन तो बाहर लिख दिया मैंने, और अब आई के जगह पे 1 पुट करिए, फिर आई के जगह पे 2 पुट करिए, फिर आई के जगह पे ऐसे ही 3, 4, 5, 6 पुट करते जाइए और आगे प्लस 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 लगाते जाना है, ठीक है ना, इसलिए को समेशन बोलते हैं। फिर है हमारा फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू के बीच में जो रिलेशन है, जो रेशियो होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, तो परसेंटेज एरर कोई भी फ्रैक्शन अगर है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हमने इसी फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज एरर पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा, और एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कोई मेजरमेंट दे देगा, बोलेगा कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड फ्रैक्शनल एरर इन दिस मेजरमेंट, ऐसे करके बोल देगा, ठीक है। अभी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी करेंगे। अभी का टाइम तो खत्म हो गया है, आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर इसके आगे के भी कुछ टॉपिक्स को देखेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।